10 फरवरी 2023 क्रिकेट की टॉप खबर आपके सामने। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतक लगाया। उन्होंने मैच की पहली पारी में अपना शतक पूरा किया। हिटमैन ने टेस्ट में 17 महीने बाद सैकड़ा लगाया है। पिछली बार उन्होंने सितंबर 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में 127 रन की पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाकर रोहित ने इतिहास भी रच दिया है। रोहित बतौर कप्तान तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। वो ऐसा करने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी बने हैं। श्रीलंका के तिलक रत्ने दिलशान, दक्षिण अफ्रीका के फाफ डू प्लेसिस और पाकिस्तान के बाबर आजम बतौर कप्तान तीनों फॉर्मेट में शतक लगा चुके हैं। रोहित वनडे में बतौर कप्तान और 3 T20 में 2 शतक लगा चुके हैं। रोहित के टेस्ट करियर का ये 9वां शतक है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने पहली बार टेस्ट मैच में शतक लगाया है। रोहित भारत के लिए सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में पूर्व दिग्गज कप्तान कपिल देव से आगे निकल गए हैं। कपिल देव ने 131 टेस्ट में 8 शतक लगाए हैं। हिटमैन ने 9वां शतक लगाकर पूर्व ओपनर गौतम गंभीर और नवजोत सिंह सिद्धू की बराबरी कर ली है। गंभीर ने 58 और सिद्धू ने 51 टेस्ट में 9-9 शतक लगाए थे। क्रिकेट से जुड़ी टॉप खबर हर तारीख पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।